हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, एससी वर्मा, काइनेमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 40। तो बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म स्पीड, शो दैट बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये एक प्लेन है और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आप इस प्लेन से, जो कि हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वहाँ से अगर एक बॉम्ब आप गिराते हो, तो दैट बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। देखिए, लेट सपोज ये प्लेन जो है यू वेलोसिटी से चल रहा है, यू स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ से आपने एक बॉम्ब जो है वो गिरा दिया। तो स्टूडेंट्स, जब बॉम्ब को गिराया जाएगा तो बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा यू, और वो इस तरह से कुछ एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। लेट सपोज उस बॉम्ब को जमीन तक पहुँचने में, ग्राउंड तक पहुँचने में टाइम लगता है टी, तो बेसिकली उसने टी टाइम में u स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर किया होगा ut। तो बॉम्ब ने जो डिस्टेंस कवर किया, ut इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉम्ब। और अगर मैं प्लेन की बात करता हूँ, तो प्लेन भी यूनिफॉर्म स्पीड u के साथ ही चल रहा है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, तो प्लेन ने भी स्टूडेंट्स u स्पीड के साथ जो डिस्टेंस कवर किया होगा प्लेन ने, उसने भी डिस्टेंस कवर किया होगा ut। तो बॉम्ब ने भी ut डिस्टेंस कवर किया, प्लेन ने भी ut डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों ने ही ut डिस्टेंस कवर किया, तो बॉम्ब एग्जैक्टली प्लेन के बिलो एक्सप्लोड करेगा। तो बेसिकली ये आपका प्लेन है आफ्टर टाइम टी, और ये आपका बॉम्ब है, यहाँ पर बॉम्ब है और यहाँ पर प्लेन है। तो बेसिकली द रीज़न इज़ दैट कि दोनों का वेलोसिटी सेम था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली बॉम्ब प्लेन के नीचे ही एक्सप्लोड करेगा। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। ये कहा गया है कि इज़ द स्टेटमेंट ट्रू इफ़ द प्लेन फ्लाइज विद यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन, प्लेन इज फ्लाइंग, लेट सपोज इट इज़ फ्लाइंग सच दैट इट इज़ नॉट फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, लेट सपोज, और ये स्पीड इसका यू है, लेकिन अब ये हॉरिजॉन्टली नहीं फ्लाई कर रहा है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है पर हॉरिजॉन्टली नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इन दैट सिचुएशन जो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा यू कॉस थीटा, और जो वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा u साइन थीटा। तो अगर आप ऐसे किसी प्लेन से बॉम्ब ड्रॉप कर देते हो, तो आगे जाके वो गिरता है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा, ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से कवर करेगा। तो अगेन लेट सपोज उसे एक्सप्लोड होने तक, जमीन तक गिरने तक टाइम टी लगता है, तो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा यू कॉस थीटा इंटू टी। और अगर मैं प्लेन की बात करता हूँ, तो प्लेन की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, तो प्लेन ने भी जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कवर किया होगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। तो प्लेन और प्लेन से ड्रॉप किया गया बॉम्ब, दोनों का ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है, तो दोनों ही लाइक सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अगर बॉम्ब जो है t टाइम के बाद एक्सप्लोड करता है, तो बॉम्ब ने कवर किया होगा u cos थीटा इंटू टी, साइमल्टेनियसली प्लेन ने भी कवर किया होगा u cos थीटा इंटू टी। सो इस सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा यस, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द प्लेन इज फ्लाइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। सो स्पीड यूनिफॉर्म है, दैट इज द रीजन देयर कि स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज नॉट चेंजिंग, प्लेन अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। अगर वो अपनी स्पीड चेंज करता है तो वो जो पोजिशन है वो डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन स्पीड कॉन्स्टेंट है प्लेन का और यूनिफॉर्म स्पीड है, तो बॉम्ब एग्जैक्टली प्लेन के नीचे ही एक्सप्लोड करेगा। थैंक यू।